हेलो बच्चों, आपके सामने क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इफ द वर्क डन इज 3 × 10^(-4 जूल। द वैल्यू ऑफ द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड इज, तो जो सरफेस एनर्जी है वो क्या है? वर्क डन ऑफ सरफेस, सरफेस एनर्जी इक्वल टू वर्क डन ऑफ सरफेस। ठीक है, तो जो हमारी सरफेस एनर्जी है उसका फॉर्मूला क्या होता है? टी डॉट चेंज इन एरिया, यानी कि वर्क डन, लिख सकते हैं अपने बात, वर्क टाइम। ठीक है, तो हमारे पास, हमें टेंशन फाइंड करना है, चेंज इन एरिया यानी कि कितना है, 20 - 8। ठीक है, यहाँ पर 2 और आएगा, क्यों आएगा? क्योंकि ये एक रेक्टेंगुलर फिल्म है। क्या है ये रेक्टेंगुलर फिल्म है? तो इसके जो एरिया में चेंज होगा वो दोनों सरफेस में होगा, नीचे सरफेस पर भी होगा और ऊपर वाली सरफेस पर भी होगा, दो सरफेसेस है। तो कितना जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको हम मीटर में चेंज करेंगे क्योंकि हमारे पास जो जूल है SI यूनिट है। ठीक है, तो MKS में चेंज कर लेते हैं इसको, 24 × 10^-4 m². ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं अपन। तो क्या है हमारे पास वर्क, 3 × 10^-4 इक्वल टू टी डॉट 24 × 10^-4 10^-4 10^-4 कैंसिल, और टी इक्वल टू कितना आ गया हमारा, 3/24। सोल्व करो कितना आंसर जाएगा, 0.125 N/m। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो हमारे आंसर से मिल सकता है और ये हमारा करेक्ट आंसर है। ओके बच्चों, थैंक यू।